वेलकम बैक बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर व्हील से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और 15 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को वो सारे कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन समझाने वाला हूँ जो कि सर्कुलर व्हील से रिलेटेड है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है जब भी हम लोगों को सर्कुलर व्हील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि अगर कोई व्हील एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वन कंप्लीट रोटेशन। डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, कवर्ड बाय द व्हील इन वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना भी उसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर यानी कि जितना भी उसका सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर को ही सर्कमफेरेंस बोला जाता है सर्कल का। तो जितना भी उसका सर्कमफेरेंस होता है उतना ही डिस्टेंस वो कवर करता है एक रोटेशन में, यानी कि सर्कमफेरेंस होता है 2πr किसी भी सर्कल का। यानी कि कोई एक व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है ये डिपेंड करता है उसके रेडियस पर। अगर रेडियस बड़ा होगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि उसका पेरीमीटर भी बड़ा आएगा यानी सर्कमफेरेंस भी बड़ा आएगा, और अगर रेडियस छोटा होगा तो सर्कमफेरेंस भी छोटा आएगा यानी कि कम डिस्टेंस कवर करेगा। यानी रेडियस से हमको पता चल जाएगा कि कोई एक व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो ये एक कंप्लीट रोटेशन के लिए था, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए था। अगर मान लीजिए हमको बोला जाए दो कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, टू रोटेशन, तो मैं बोलूंगा जितना भी उसका सर्कमफेरेंस है उसमें टू मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि दो रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर मान लीजिए कोई बोले आपको कि तीन रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है तो क्या करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे उनके सर्कमफेरेंस में, यानी कि 2πr में थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई आपसे बोले कि n रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, n रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो भाई तीन रोटेशन के लिए थ्री इंटू 2πr था, तो n रोटेशन के लिए कितना होगा n रोटेशन के लिए होगा n इंटू 2πr। तो डिस्टेंस कितना हुआ n रोटेशन में, तो n इंटू 2πr। बस यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप जितने भी प्रॉब्लम है सर्कुलर व्हील से रिलेटेड उन सारे का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, कैसे क्वेश्चन को बनाना है। सो इस फॉर्मूले को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें तीन चीज है, एक है डिस्टेंस, एक है नंबर ऑफ रोटेशन, और एक है इसका रेडियस। इन तीन में कोई दो आप लोगों को गिवन होगा एक निकालने के लिए बोला जाएगा। बस इतना ही करना है जब भी आप लोगों को सर्कुलर व्हील से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक व्हील है जिसका रेडियस मैं दे रहा हूं आपको, व्हील का रेडियस दे रहा हूं मैं आपको 14 मीटर। मान लो हमको रेडियस पता है 14 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, बाय द व्हील इन 5 रिवॉल्यूशन, पांच रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये व्हील हम लोग को निकालना है। तो सिंपल है भाई ये क्वेश्चन, इसमें डिस्टेंस निकालना है
एन का वैल्यू दे दिया है, एन क्या है नंबर ऑफ रोटेशन जो कि 5 दिया है आप लोगों को, इंटू 2πr में रेडियस भी आप लोगों को दे दिया है जो कि किसके बराबर है 14 मीटर के बराबर है। तो एन का वैल्यू कितना हुआ, तो एन का वैल्यू 5 हो गया। डिस्टेंस निकालना है, 2 के जगह 2, पाई के जगह आप लोगों को 22/7 पुट करना है। कभी कभी 3.14 भी पुट करते हैं बच्चों, लेकिन 3.14 तभी पुट करना है जब आप लोगों को क्वेश्चन में मेंशन किया हो, पहले से दिया हो कि पाई का वैल्यू भाई आप लोगों को 3.14 पुट करना है तभी। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो उस कंडीशन में रेडियस का वैल्यू 22/7 पुट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। सो अब मैं रेडियस के जगह पर रेडियस पुट कर देता हूं जो कि 14 के बराबर है। तो 7 1 7, 7 2 14, अब मल्टीप्लाई कर देंगे भाई सबको, तो 5 2 10 हो जाएगा और 22 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 440। अब डिस्टेंस का यूनिट भी होता है, तो डिस्टेंस का यूनिट कौन सा मेंशन किया जाए, तो बच्चों जो रेडियस का यूनिट है वही यूनिट डिस्टेंस का भी होगा। यानी कि अगर रेडियस का यूनिट मीटर है तो डिस्टेंस का यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। यह बात आप लोग को हमेशा याद रखनी है। अगर आप लोग को डिस्टेंस का यूनिट अलग दिया है और रेडियस का यूनिट अलग दिया है तो उस केस में आप लोगों को पहले दोनों का यूनिट सेम करना होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छे से कंसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दे देता हूं अ व्हील कवर 11 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 11 किलोमीटर, यानी एक व्हील जो है वो 11 किलोमीटर तय करता है, 11 किलोमीटर तय करता है इन 5000 रिवॉल्यूशन करता है और 11 किलोमीटर तय करता है। तो ये हमारा बन गया डिस्टेंस, ये हमारा बन गया नंबर ऑफ रोटेशन। तो क्या निकालने के लिए बोला जाएगा, रेडियस निकालने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि तीसरा चीज तो यही बच गया है, फाइंड रेडियस ऑफ द व्हील। कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू एन इन टू 2πr। एग्जाम में आप लोगों को पूरा लिखना है बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड बाई अ व्हील इन एन रिवॉल्यूशन, ठीक है। सो डिस्टेंस इस बार वो 11 किलोमीटर दिया है तो डिस्टेंस की जगह मैंने 11 लिख दिया, एन के जगह पर 5000 दिया है तो मैंने 5000 लिख दिया, इंटू 2 के जगह 2, पाई के जगह 22/7, और रेडियस हमारा नहीं दिया है और यही हम लोग को निकालना है। बच्चों इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए जो डिस्टेंस का यूनिट होगा वही रेडियस का यूनिट होगा। अब डिस्टेंस का यूनिट दे दिया है किलोमीटर में, तो रेडियस का यूनिट आपने कभी किलोमीटर में नहीं देखा होगा, या तो आप इसको मीटर में देखेंगे या तो आप इसको सेंटीमीटर में देखेंगे। तो मैं काम करता हूं, ये जो 11 किलोमीटर है उसको मैं मीटर में बदल देता हूं। तो बदलने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, ये आप लोगों को बिल्कुल से पता ही होगा। किलो का मतलब 1000 होता है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। तो अगर 11 किलोमीटर को बदलना हो तो 1 किलोमीटर का 1000, तो 11 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 11000 मीटर। तो मैं इस डिस्टेंस को 11000 मीटर लिखना चाहता हूँ, तो 11000 मीटर लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 5000 के जगह 5000, इंटू 2 के जगह 2, पाई के जगह 22/7 पुट किया था, रेडियस सबको निकालना था। यहाँ से देखिए ये जो 3 जीरो है, यहाँ से 3 जीरो ये यहीं पर ही कैंसिल आउट होते नजर आ रहे हैं, तो मैं इसको यहीं से ही कैंसिल कर देता हूँ। अब अगर रेडियस निकालना है तो ये जो नंबर बचा है इस तरफ रेडियस के अलावा, उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, तो ये 7 सबसे पहले ट्रांसफर होकर के तो ऊपर चले जाएगा, तो 11 × 7 हो गया, अपॉन में कितना आ गया, 5 × 2 × 22। 11 और ये 22 दोनों कैंसिल होते नजर आ रहे हैं, 11 1 जा 11 2 जा। अब देखिए क्या मिला मेरे को मिला 7 upon 2 2 जा 4, और 4 5 जा, देखो मेरे को 20 मिला है। ये किसमें मिला है, मीटर। तो रेडियस जो है वो 7 upon 20 मीटर दिख रहा है मेरे को, जो कि थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है। अपन इसमें काम करते हैं, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो सेंटीमीटर में देखो बदलने से क्या होगा, 1 मीटर जो होता है ना बच्चों वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 7/20 मीटर जो है वो बराबर हो जाएगा 7/20 × 100।
21 जा 20 और 25 जा 100, तो 75 जा कितना हो जाएगा 35, तो ये आ गया 35, हमने बदल दिया इसको सेंटीमीटर में, और यही हमारा क्या है रेडियस है। तो रेडियस देखो आपने फाइंड कर लिया, अगर आप लोगों को टोटल डिस्टेंस दिया है और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया है, मैंने बताया था आपको कि कोई दो चीज आप लोगों को दिया होगा, तीसरा निकालना होगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बताता हूं, और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वीडियो को एंड तक देखना है आप लोगों को, यहीं पर से ही ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि आगे में ये दो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन में बोला गया है व्हील ऑफ डायमीटर, व्हील ऑफ डायमीटर यानी कि फिर से डायमीटर दे दिया है, डायमीटर दे दिया है मतलब रेडियस दे दिया है, डायमीटर मान लेते हैं 84 है, तो 84 डायमीटर अगर दिया है तो आप लोग इससे रेडियस फाइंड कर सकते हैं, या सेंटीमीटर में दिया है आप लोगों को मान लेते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, देखिए अब आप लोगों को बोला है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, यानी अब आपको एन का वैल्यू फाइंड करना है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन इट टेक टू कवर कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए 792 मीटर कवर करने के लिए कितना चक्कर लगाएगा कौन, व्हील, जिसका डायमीटर आप लोगों को दिया है। तो सबसे पहले तो अपन रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, तो ये हो जाएगा 84 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस भी दे दिया था, डिस्टेंस कितना दिया था 792, ये किसमें दिया है मीटर, तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस का यूनिट और रेडियस का यूनिट दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है, एक तो मीटर में है दूसरा सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, 792 एक मीटर में 100 सेंटीमीटर था, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिस्टेंस हमारा बन गया 792 × 100 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एन इंटू 2πr, डिस्टेंस कितना दिया है 792 × 100 बराबर, अब आपसे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मांगा है यानी एन का वैल्यू फाइंड करना है, 2 के जगह 2, पाई के जगह 22/7 पुट कर देते हैं, और रेडियस 42 दिया है तो 42 पुट कर देते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42, आप ये तो कैंसिल नहीं होगा, इसको सीधा उठा करके हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 792 × 100 और ये सारे नंबर इसके नीचे आ जाएंगे जो कि होगा 2 × 22 × 6 और यही एन का वैल्यू होगा। अब देखिए ये 11 से ये भी कटता दिख रहा है, ये भी कटता दिख रहा है, तो 11 × 2 = 22, 11 × 7 = 77 और 11 × 2 = 22, देखिए ये कट गया। अब यहाँ 6 से काट देते हैं, 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = 12, अब यहाँ पर देखिए 2 × 1 = 2, 6 × 12, एक और 2 दिख रहा है तो 2 × 1 = 2, 3 = 6, तो देखिए 3 बचा है और ये 100 बचा है, 3 और 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 300 रिवॉल्यूशन। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो बच्चों नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो आप लोगों को यह याद रखना है कि जब भी आप लोगों को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना हो तो उसमें यूनिट नहीं मेंशन किया जाएगा, क्योंकि हमको यह बताना है कि कितने चक्कर लगाया और चक्कर कितने लगाया इसको यूनिट हम लोग नहीं देते, इसलिए जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जब भी निकालने के लिए बोला जाएगा वो यूनिट लेस होगा, उसमें यूनिट नहीं देना है आप लोग। एक आखिरी क्वेश्चन बताता हूं बच्चों जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे बच्चों तो इस क्वेश्चन में डायमीटर दे दिया है व्हील का, डायमीटर ऑफ व्हील जो कि है 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर डायमीटर दे दिया है व्हील का, और क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, उम्मीद करता हूं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन इट मेक इन टेन मिनट। यहां पर देखिए बच्चों क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया, बोला गया 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, तो भाई 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा तो ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे जब तक हमको डिस्टेंस पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि रेडियस तो दे दिया है तो अपने को डिस्टेंस की जरूरत है,
तो आगे वो क्वेश्चन में स्पीड दिया है, स्पीड ऑफ व्हील, व्हील का स्पीड दे दिया है जो कि है 66 किलोमीटर पर आवर। और इसी से ही बच्चों हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखिए क्या कैसे, 66 किलोमीटर एक घंटे में, यानी एक आवर बराबर 66 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो मैं बोलूंगा भाई 66 किलोमीटर ही तय करेगा, क्योंकि 60 मिनट और एक घंटा दोनों एक ही चीज होता है, अलग अलग नहीं। हाँ, अगर मेरे को कोई बोलेगा कि एक मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो मैं बोलूंगा 66 अपॉन 60 किलोमीटर। अब इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, देखिए कितना, 6 1 जा 0 जा और 6 1 जा और फिर 1 जा, यानी कि 11 आ गया यहां पर। तो एक मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, 11/10 किलोमीटर तय किया है। लेकिन अपने को एक मिनट का नहीं, अपने को 10 मिनट के बारे में वो बात कर रहा है, तो अपन 10 मिनट में निकाल लेंगे कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 10 मिनट का निकालने के लिए इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, 11/10 × 10, 10 10 दोनों कट गया, आ गया 11 किलोमीटर। तो देखिए आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। तो फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू एन इंटू 2πr, डिस्टेंस आप लोगों को दिया है कितना, 11 किलोमीटर। बच्चों ये किलोमीटर में दिया है और ये जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल देते हैं यहीं पर ही। तो किलोमीटर को पहले आप मीटर में बदलिए ना, तो मीटर में बदलने के लिए 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मीटर हो गया, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसी को ही 100 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। ये 100 हो गया और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो डिस्टेंस आ गया हमारा 11 × 1000 × 100। एन का वैल्यू फाइंड करना है, 2 के जगह 2 रख देंगे, पाई के जगह 22/7, और रेडियस कितना होगा, तो डायमीटर अगर 80 है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, यानी बाई 2, ये हो जाएगा 40। तो यहां पर मैंने लिख दिया 40। अब n का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो बाकी सारे नंबर को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 11 × 1000 × 100 × ये जो 7 था वो ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा 2 × 22 × 40। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, एक जीरो को इस एक जीरो के साथ काट देते हैं। अब क्या क्या बच गया है, तो 1000 बचा है और एक और जीरो को यहां पर और डाल दिया, एक और जीरो इंटू 7 कर देते हैं, और नीचे में हमारे पास बचा है 2 2 जा 4 × 4। तो सबसे पहले 4 को काटते हैं ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, और फिर 2 जीरो और लगा देंगे। फिर इसको फिर से 4 से काट देते हैं, तो इसको 4 से सीधा मैं डिवाइड कर देता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए, ये हो जाएगा 4 6 जा 24, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 0, 4 2 जा 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर आ गया 6 25। और इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, यानी कितना रिवॉल्यूशन वो मारेगा 10 मिनट में, अगर स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है और डायमीटर इसका 40 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन जो कि सर्कुलर व्हील से रिलेटेड है, सिर्फ आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि है डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन एन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू n इंटू 2πr, जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है और r जो है वो रेडियस है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताया था कि जो डिस्टेंस है और जो रेडियस है दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसी चैप्टर का 2 और क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही वो आपको एनसीईआरटी बुक में ना दिया हो। So, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।